नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 45 16 अक्टूबर 2020 गणित विषय। गणित कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु पढ़ेंगे तो ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं वर्कशीट, काफी अच्छे से रिविजन हो जाएगा। आपका चित्र था एक घनाभ घन बेलन शंकु, ठीक है, घनाभ घन बेलन शंकु, अभी गोला आएगा। तो इसमें दो चीजें थी, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। अगर वर्कशीट इसके बाद की बात करें तो आपका पहले आया था घन और घनाभ, घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घन घनाभ का आयतन, फिर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन का आयतन। इसके बाद आया था आपका एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब आएगा शंकु का आयतन। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे वर्कशीट चल रही है कैसे नहीं चल रही है, ठीक है। और एक बार हम सहायक सामग्री में देखें 2020-21 कक्षा 9वीं की गणित की, तो हम पहुंच चुके हैं ये आपका विषय सूची, ये पढ़ रहे अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसके ऊपर वाला हीरोन का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अभी ये चल रहा है आपका, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें सारे क्वेश्चन हैं आपके वो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एक बार आपको किताब भी दिखा देता हूँ, बुक मेरे पास है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7, ठीक है। तो त्रिज्या 6 ऊंचाई 7, ठीक है, ये रहा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन त्रिज्या 6 ऊंचाई 7। DEO वालों को लगा कि हम ऐसी वर्कशीट चेप रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें तो पता चल गया ये NCERT के क्वेश्चन है ना। हमें का मतलब है हम, आप बच्चों, आपसे भी मतलब, मैं नहीं, हम, हमें पता चल गया ना। ये DOE वाले हमको लगता हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चल गया। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं, तो ठीक है। अब देखो ये चीजें मैंने कई बार बच्चों को एक्सप्लेन कर रखी है, वो बच्चे इस समय इंटरेस्ट नहीं होते, बस उनको फॉर्मूला चाहिए होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का जब आप आयतन पढ़ रहे हैं आज, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ से फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, तो आज इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल होगा। तो शंकु का आयतन जो इससे पहले था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आज पढ़ेंगे आयतन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सवाल लगाना शुरू करते हैं। उदाहरण 1 तो दोबारा से दिखा दें, उदाहरण 1 कहां से लिया गया है आपका, एनसीईआरटी के बुक चैप्टर पेज नंबर 279, और ये 13.3 और इसका पहला ही है, ठीक। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, अगर एक बार सबसे पहले सब मैं ब्लैक पेन से लगाऊंगा, जितने भी उदाहरण होंगे आपको उदाहरण 1 सबको मैं ब्लैक पेन से लगाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक आपको एक शंकु बना लेना है अच्छे से, ठीक है। तो एक आप शंकु भी बना सकते हैं ताकि ध्यान रहे हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें त्रिज्या आर, आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसमें ऊंचाई दी हुई है, तो यहां लिखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को h से दिखाते हैं, h बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है इसकी, इसका आयतन बताना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है, बार बार मैं तो लिख सकता हूं लेकिन बार बार फॉर्मूला के सामने दिखा दूंगा कि आप लोगों को याद हो जाए, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। तो लिखेंगे 1/3 πr²h, तो 1/3 का 1/3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है यहाँ पे 6 दे दिया गया है, तो यहाँ पे 6/6 क्योंकि दो बार है, (1/1) सुविधा के लिए लगा सकते हैं ताकि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। और h बराबर है 7, तो 7/1 कर सकते हैं ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो इसे काटने की कोशिश करते हैं, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 × 3 = 6। अब देखो बचेगा क्या यहाँ पे, ये 1 बचा, तो आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, फिर इस वाले में 22 बचा, इस वाले में 2 बचा, इस वाले में 6, और यहाँ पे ये कट गया था यहाँ पे, तो 1 बचा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 22 एकम 22 में किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही होता है, और 6 कम 6 दोनों 12, और 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 कम 12, 12 24, 25, 26, तो कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। देखो सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा 3, याद रखना। दोबारा बता रहा हूँ आपका, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो स्क्वायर लगाएंगे और आयतन निकालेंगे, तो आयतन में यहाँ पे क्यूब, क्यूब आ जाएगा, इसे घन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब लगाएंगे उदाहरण नंबर 2, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो उदाहरण 2 है आपका, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, या तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और पाई का मान दे दिया गया है, तो इसे लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे उदाहरण नंबर 2, तो लिख लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से एक आप शंकु बना लीजिएगा, कि ताकि ध्यान रखें हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो आपका शंकु का होगा। तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे एच बराबर, दिया गया एच बराबर कितना था 15 सेंटीमीटर, और आपका शंकु का आयतन दिया था, शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा था। अब आपको पता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1570 दिया हो, 1570 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक, अब यहाँ शंकु का आयतन के नीचे इसका फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं, 1/3 πr² h। तो एक बार देख लेते फॉर्मूला, शंकु का आयतन 1/3 πr² h। अब देखो मैं बार बार इसी को क्यों दिखा रहा हूं, कि देखो कोई चित्र होता है दिमाग में छपता है, अक्षर आप भूल सकते हो लेकिन चित्र नहीं भूल सकते हैं। एच ठीक है, तो यहाँ 1570 कर देंगे, तो पाई को, पाई का मान इसने दे रखा है 1/3 × 3.14, ठीक है, गुणे में r² और h बराबर कितना था, यहाँ पे h बराबर 15 दिया हुआ है, तो h बराबर आपका 15 आ जाएगा। अब बराबर 1570। ठीक, तो चलिए एक बार काट लेते हैं लाल पेन से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 3 × 3, 3 × 5 = 15, ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 3.14 गुणे में r², ठीक है, r² गुणे में 5, देखो ये का ये बच गया, यहाँ का ये, यहाँ का ये, और बराबर 1570। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो r² और मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 × 15 = 4 = 60, हाथ में लगा 6, तो 5 × 20 हाथ में लगा 2, 5 × 5 = 6 = 7, और 5 × 3 = 15, 10.2 अंक पे लगाने हैं तो 10.2 अंक पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1570, ठीक है, 1570 आ जाएगा यहाँ पे। 10.2 अंक के बाद क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 10.2 अंक के बाद था, ठीक है, एक बार करके देख लीजिएगा, काफी सिंपल है ये आपका। तो यहाँ सवाल आगे बढ़ेगा, अब देखिए यहाँ पे r² दूसरा पेज पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, r² बराबर 1570, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका बटे में 1570, ठीक है, ये 15.7 क्यों, क्यों ये इधर गुणा हो रहा था, इधर आके भाग हो जाएगा, इधर आके गुणा था तो दूसरी बराबर दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। अब देखो यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए मैं इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब नीचे किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो r² बराबर यहाँ 1500, ठीक है, 70, और गुणे में 100 अलग से लिखता हूँ, और बटे में आ जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव हट जाएगा, तो 1570 हो जाएगा, तो 1570 से 1570 कट जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे r² बराबर बचेगा आपका 100, ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर, जब r यहाँ पे आ जाएगा रूट में 100, याद रखना रूट कहाँ से आया, ये स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था, जैसे स्क्वायर हटा दूसरी तरफ क्या आ जाता है रूट में। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 100 को 10 × 10, ठीक है, तो आपका दोनों में से एक चौड़ा बन के बाहर आ जाएगा 10, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर
ANS, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां से आप वीडियो को रोक के आसानी से उतार सकते हैं और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको वहां से उतारने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर एक आंसर हो गया। तो यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, उदाहरण नंबर 3 लिख लेते हैं, ये 2 था। उदाहरण 3 को यहां से लगाना शुरू करेंगे हम। ठीक है, 3 पढ़ लेते हैं। 3 में क्या है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई मतलब R और L दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए लगा लेते हैं। तो एक प्रकार आप शंकु बनाइए, ताकि आपको ध्यान हो कि हम जो पढ़ रहे हैं ये शंकु वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और इसने क्या बोला है, धारिता। अब धारिता का मतलब नहीं पता होता, कई बच्चे बच्चे भूल जाते हैं। तो धारिता बराबर आप आयतन, आयतन, आयतन लिख सकते हैं। इस बच्चों बच्चों नाउ नोट कर लो, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, धारिता को आयतन कहते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो 7 त्रिज्या 25 त्रिज्या ऊंचाई, तो आपकी त्रिज्या बराबर, अगर मैं लिखूं आराम से, तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपकी त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है, L। तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं। आपको नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं। देखो, इसको R है, ऊंचाई ये H है, ये तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं। तो यहाँ पे L लगा लेंगे, तो L बराबर आपके पास क्या है, कितना दिया था, 25 सेंटीमीटर। और निकालना क्या था, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क, आयतन ही बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल चलेंगे कैसे, देखिए शंकु का आयतन निकालने फॉर्मूला देखिए। तो शंकु का आयतन में R और H है, शंकु के आयतन में R और H है, L नहीं है, R है और H है। तो आपको H पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि L का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे L है ही नहीं, R और H चाहिए शंकु के आयतन में। तो H यहाँ से निकालेंगे, तो H निकाल के फॉर्मूला क्या है, H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो पहले आपको H निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं H बराबर ब्रैकेट में, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो बार बार देख लेते हैं। ठीक है, H या R बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो अब H निकाल रहे हैं, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, गलत से खींच गया है। तो आपके पास L कितना है, आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर, और R कितना है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना, 25 हम 625, तो 625 हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 576 हो जाएगा। आपको पता है 576 24×24 का होता है, 24×24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अभी H आया है, कई बच्चे बोलेंगे 576 का 24 कैसे हो गया, तो आपको मैं जल्दी से बताऊं, 576, आप अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे भी आ जाएगा, जैसे 2 × 4 2 × 8 16 2 × 8 16, फिर से 2 से करेंगे। ठीक है, 2 × 1 2 2 × 8 2 × 8, फिर 2 से करेंगे, 2 × 7 14 और 2 × 2 9 4, 2 × 3 8 6, 2 × 6 12। ठीक है, 2 × 2 2 × 8 16, 2 × 9 18, 3 × 3 9 और 3 × 3। अगर यहाँ पे भी जोड़ा बनाएंगे, देखो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बनेगा 2, ये जोड़ा बनेगा 2, ये जोड़ा बना 2, ये जोड़ा बना 3। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 × 6 6 × 12 12 × 24, ठीक है, तो 24 बन जाता है। जोड़ा बना के बाहर निकालें तब भी 24 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब मैं एक लाइन खींच लेता हूँ अच्छे से फुट्टे से, क्योंकि मुझे शंकु का आयतन निकालना है। एक मैंने लाइन खींच ली अच्छे से, ठीक है, इसी में आ जाएगा आपको समझ में शंकु का आयतन। उम्मीद है इसी में आ जाना चाहिए, देखते हैं, क्योंकि पीछे पलटूंगा फिर वैल्यू बार बार देखनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लगाऊंगा शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे बीच में लिख लेते हैं 1/3। अब पाई का मान देखो, इसने पाई का मान कुछ बोला नहीं था इस बड़ो भाई ने, तो हम क्या लिखेंगे 22/7, और आर का मान दिया हुआ था यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 × 7 और बटे में 1 अपने मन से लगा सकते हैं, और h बराबर देखो यही निकल के आया था अभी 24, तो यहाँ हम 24 लिख सकते हैं। अब यहाँ काटने की कोशिश करेंगे तो 7 × 7, 7 × 7 ये कट जाता है, तो 3×3 = 24, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ बचा खुचा के लिखें तो एक इन दोनों में से 1 बचा, यहाँ पे 22 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 8 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14, 7 × 14 = 15, ठीक है, गुणे में 8 बच गया। अब इन दोनों हम सबका मल्टीप्लाई, 1 का 1 ही आएगा ना, इन दोनों मल्टीप्लाई का तो ये आया 8 × 8, 8 × 4 = 32, ठीक है, 8 × 4 = 32, हाथ में लगा 3 × 8 = 45, 3 × 43, 8 × 8 = 9, 10, 11, 12, तो हो जाएगा 12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर आंसर मिला है तो आंसर देखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसने लीटर में दे रखा है, यहाँ तक तो हमारा आंसर मैच कर गया, अगर लीटर में करना है इसी बात को सेंटीमीटर में है, तो 1, 2, 3, 2 बटे में अगर 1000 कर देंगे तो ये चीज़ें सेंटीमीटर से कितनी हो जाएगी, लीटर में। अब इसी चीज़ को 0.3 अंक के बाद लिखना है, तो आपको 1, 2, 3, 2 दशमलव कितने के बाद, 3 अंक के बाद, 1, 2, 3, तो यहाँ लगा देंगे और किसमें बदल गया, लीटर में, ये आपका आंसर हो जाएगा था। उम्मीद है मैंने थोड़ी जगह में लगाने की कोशिश किया, उदाहरण आप समझ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसकी समस्या होगी मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। और पिछली बार जो आपने कमेंट में जो फॉर्मूले बताए थे और आंसर बताया था, लगभग सभी बच्चों का सही था, बस आप मीटर स्क्वायर में ये बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इस पर ध्यान दो, जब भी आयतन निकालना होता है आपको स्क्वायर में आता है, और जब सॉरी क्यूब में आता है, पावर 3 होती है, ठीक। तो चलिए सवाल आगे लगाना शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 3 की बात करूँ, शंकु की धारिता, तो जो उदाहरण नंबर 3 था शंकु की, देखो अभी वो शंकु की ऊंचाई और ज्ञात कीजिए, तो आपका ये वाला था आपका, ठीक है, और आपका जो अभी उदाहरण नंबर 3 लगाया तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया था ना, अभी मैंने देखा था, शायद पीछे दे दिया गया है, ठीक है। तो शंकु का आकार यहाँ पे ना 7 × 25, 7 × 25, उदाहरण 2 ही था, दिखाई नहीं दे रहा था ये क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए जो अभी हमने ये सवाल लगाया है ना, वो आपका यहाँ से भी है, जो अभी एनसीईआरटी में से 3.72, एक शंकु के आकार को उस बर्तन की लीटर की धारिता ज्ञात कीजिए, 7 और ये है, ठीक है, इसमें तिरेक 12 तो 13 तिरेक सेंटीमीटर, तो इसने बाद में और भी कर रखा है लेकिन इन्होंने यहाँ से देख रखा, आप ये भी आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं, वीडियो आज बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि 21 मिनट में ही बस आपका एग्जांपल हुआ है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सवाल अभी बाकी ही हैं, ठीक। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, पहला कि शंकु की ऊंचाई और तिरेक की ऊंचाई, ऊंचाई और तिरेक की ऊंचाई, ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है तो लिखेंगे h, तो हल यहाँ से लिखेंगे, हल यहाँ लग रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर दिया हुआ था। चीज़ों को समझने के लिए आप एक अच्छे से शंकु भी बना सकते हैं, ताकि ध्यान रहे कि हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो किसके बारे में है, शंकु के बारे में है। तो h बराबर आपका 21 सेंटीमीटर और आपका तिरेक की ऊंचाई जिसको हम l से दिखाते हैं वो आपका 28 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप 28 ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और जिसको ऊंचाई है तो यहाँ पे ऊंचाई इसको लिख देंगे 21 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क, शंकु का आयतन क्वेश्चन मार्क में जाएगा, क्यों, क्योंकि शंकु का आयतन ही पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन लगाने से पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, दोनों एक साथ रखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे शंकु का आयतन लगाने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो है लेकिन आपके पास इसमें आर चाहिए, तो आर नहीं है, तो सबसे पहले आर निकालेंगे, तो आर निकालने का फॉर्मूला आर बराबर रूट में, बना नहीं है अच्छे से,
रूट में एल स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे पहले आर निकालने के लिए, तो आर बराबर ठीक है रूट में आपका आ जाएगा एच स्क्वायर एल स्क्वायर, पहले एल स्क्वायर आएगा और एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर रूट में लगाएंगे। एल कितना है आपके पास 28, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर ठीक है, तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 784, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे करेंगे तो दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 343, और 343 आप देखेंगे तो 7 7 7 तीन बार आएगा, 7 × 7 × 7 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 7 7 का जोड़ा बन जाता है, तो एक 7 आपके पास बाहर निकल जाएगा, तो 7 रूट में 7, ये 7 बच गया आपके पास ठीक है सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया था आपके पास आर। अब यहाँ क्या लगाएंगे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का आयतन ही पूछ रहा था, तो अब आसानी से लगा सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3, तो सामने दोबारा रख लेते हैं फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 1/3 का 1/3 आ जाएगा, 1/3 पाई का मान एक बार चेक कर लेते हैं, फिर पाई का मान कुछ नहीं बोल रखा तो पाई का मान 22/7 आर अभी निकल के आया था 7√7, 7√7 बटे में 1 लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 7√7/1, ये दो बार क्यों हुआ क्योंकि आर स्क्वायर था और एच, तो एच बराबर सबसे ऊपर दिया हुआ था 21, तो यहाँ पे हम 21 लग सकते हैं बटे में 1, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, 3 × 3 = 21 और 7 × 7 = 7 सही से काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ बचा क्या, तो मेन पॉइंट यही आपको लिखना है, एक अगर लिखना चाहते तो इसे भी लिख लीजिए, लेकिन कोई फायदा है नहीं, किसी चीज में एक से गुणा करने पर वही आ जाता है, तो 22 का 22 तो यहाँ पे 7 ठीक है, तो यहाँ 7√7 बच, बट नीचे का ही घटा ले कुछ फायदा नहीं है, 7√7 और यहाँ पे 1 बचा तो 1 लिख लेते हैं ठीक है, इसे अब ध्यान समझिएगा, अब 22 का 22 आ जाएगा यहाँ पे ठीक है, अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये 7 और गुणे में ये 7 लिख देता हूँ मैं ठीक है, अब आपके पास तीसरा 7 बच जाता है, अब देखो ध्यान से दूसरे पेन से बता रहा हूँ, इसी में ये चीज में इसमें मल्टीप्लाई करने बाद एक आपके पास फॉर्मूला होता है रूट में ए गुणे रूट में ए, दोनों अगर एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं बाहर ए आता है, वही दोनों एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एक जैसे हैं मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाला ही आ जाता है, तो अंदर वाले आने का मतलब क्या है यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 222, 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 343 पहले ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे दोबारा क्यों करेंगे तो 343 आपके पास पता ही है ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 का अगर पढ़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, 22 × 22 = 44, 22 × 6 = 66, हाथ में लगा 6 ठीक है, फिर 22 × 88 तो इसमें 88 जोड़ देंगे, 8 × 6 = 14, 14 × 4 तो 8 × 9 हासिल लग जाएगा ठीक है, 66 ठीक है, 66 यहाँ पे हो जाएगा 66, तो 9 × 1 = 10, 7 = 17 ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 ठीक है, और यहाँ पे 6 × 7 ठीक है, 7 बन जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 75 ठीक है, अभी आ जाएगा सेंटीमीटर, इसे काट देंगे क्योंकि ये रफ था हमारा, कोई फायदे का बात नहीं है, तो ये 4 है आपको अच्छे से, और ये आपका आ जाएगा सब सेंटीमीटर में था, यहाँ से देखेंगे सब सेंटीमीटर में था तो ये सब सेंटीमीटर में होगा, और यहाँ आपका आयतन लगा रहे थे इस वजह से यहाँ पे पावर में 3 आएगा, और अच्छे से आप एक एक बड़ा आंसर लिख सकते हैं, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, सवाल बड़े हैं, चलिए सवाल जल्दी दूसरे पर चलते हैं आराम से आराम से। तो दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन,
9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर, व्यास देखो याद रखना व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा करेंगे तो ही त्रिज्या आती है। तो ज्ञात करना है तीन चीजें, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार अगर हम सवाल पे चले तो ये है, क्या दिया, शंकु का आयतन 98/76। तो 98/76 कहीं दिया हुआ है, सॉरी 56 है, 56 सॉरी 56 है, क्योंकि 56 यहाँ दिख रहा था ना। यहाँ देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3, मतलब 1 2 3 थ्री स्टेज है, तो इसमें भी थ्री स्टेज लगानी है। तो प्रश्नावली बार बार दिखा दे रहा हूँ, 13.7 प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर 6 लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये सब आपकी जो वर्कशीट में होगा, उनको वर्कशीट वालों को पता चला हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चल गया, हमें का मतलब हम सबको, हम सब बच्चों को, ठीक है। हम थोड़े से होशियार निकले बाकियों से, तो चलिए कोई बात नहीं, सवाल जल्दी से लगा लेते हैं, स्मार्ट हैं तो स्मार्ट तरीके सवाल भी लगाएंगे, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई बतानी है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बतानी है, शंकु का वक्र क्षेत्र बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया था, शंकु का आयतन दिया हुआ था, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 98/56, और किसमें था, 98/56 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया था उसका व्यास, तो व्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर क्या दी हुई थी, तो वहां पे व्यास 28 था, तो 28 का आधा करेंगे तो 28 का आधा होता है 14, तो 14 सेंटीमीटर। तो आप एक प्यारा सा एक शंकु सा भी बना सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं या सवाल लगा रहे हैं। तो सवाल नंबर एक में बोला शंकु की ऊंचाई याद कीजिए, तो शंकु की ऊंचाई याद करने के लिए अब देखिए, शंकु की ऊंचाई तो आपका आता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर से, आपके पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, इसी वजह से हम शंकु का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें आर और आर तो मान है और इसका आयतन भी दिया हुआ, जिस वजह से एच आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे शंकु का आयतन एक के लिए एच बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसे लगाएंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन दिया हुआ उसने दिया हुआ है 98/56, यहां से पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको लगाएंगे कैसे 98/56 करके, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देख लेते हैं एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856, ठीक है। तो 1/3 का 1/3, ठीक है। अब पाई का मान दिया गया है कहीं पे, देखिएगा तो पाई का मान कुछ नहीं बोला है, तो पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुणे में 22/7 गुणे में आर का मान कितना, आर का मान देखो 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, गुणे में 14 लिखेंगे और बटे में 1/1 दो बार लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और एच, एच ही बताना है, एच का मान नहीं पता, तो यहाँ पे 9856 आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ कट रही हैं तो उसे हम काट देंगे, तो 7 × 7 7 × 14, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है आपके पास, तो 22 × 2 × 14/3 घुड़े में एच बराबर 98/56। अब देखिए क्या करेंगे, एच यहीं का यहीं रहेगा और ये 98/56 वहीं है। अब देखिए ये बराबर के इस तरफ थे, ये देखो गुड़े में था, ये सब गुड़े में है, ठीक है, और ये भाग में, जो भाग होगा उत्तर जाके गुड़ा में बदल जाएगा, और जो गुड़े में था ऊपर, जो गुड़े में हो रहे हैं नीचे आके भाग में जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पे 22 × 2 × 14, ठीक है। तो यहाँ एच बराबर सवाल लगाएंगे कैसे, इसे काटने का प्रयास करते हैं एक बार, किसे, नीले पेन से या लाल पेन से काटते हैं। पहले हम काटेंगे 2 से, 2 × 2 × 2, इसे 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 18, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, ठीक है। अब 2 से और कटेगा, तो मैं दूसरे पेन से अगर काटना चाहूँ तो एक बार मैं नीले पेन से काटना चाहूँगा, आपकी बार ये 2 से 2 × 2, ठीक है, आपकी बार ये काट देंगे, 2 से कट जाएगा, फिर कितना कटेगा, ये 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 12, 2 × 2 = 8, बिल्कुल सही। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बचा है, ध्यान से अगर उतारेंगे
तो 14 छूट गया है, कोई बात नहीं, अगली बारी में काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, इनको काटने के बाद ये बचा 24, 64 घुड़े में 3, घुड़े में 3, और बट्टे में क्या बचा, देखो ये 11 बचा आपके पास, और आपके पास ये 14 बचा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बच गई हैं। चलो इसको अब एक बार काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं 11 से फटाक से काट लेता हूँ, तो 11 से इसको काटूंगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चार 44, ठीक है, तो आपका ये बच जाएगा। अब इसको मैं दोबारा देखो फिर से लिखना पड़ रहा है ताकि गड़बड़ ना हो बच्चों आप ही के लिए। तो 2 2 4 गुड़े में 3 बटे में 14, ठीक है। इसको अब हम सीधे किससे पहाड़े से काटेंगे, 14 के पहाड़े से पढ़ते हैं, पहाड़ा 14 का, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये बच गया 8, 14 कम 14, 14 2 14 3 4 14 14 4 74, 14 6 84, 14 6 84 से काटेंगे तो ये आएगा। तो घुमा फिरा कर जो लास्ट में आपका एच बराबर है 16 गुड़े 3 बचा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 कम 16, 16 2 32, 16 3 48, तो यहाँ आपका क्या जाएगा 48, और ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका एच है, एच निकालता, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका एक आंसर आया अभी तक, ठीक है। दूसरा आंसर अभी इसका दूसरा लगाना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई लगा देते हैं, इस पे लिखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ठीक है। तो क्या तिर्यक ऊंचाई, तो याद रखा कि तिर्यक ऊंचाई आपका एल था, तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एल निकालना है, तो एल बराबर आपका होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपका रूट में आ जाएगा एच, एच कितना था 48 का स्क्वायर, प्लस में आर कितना है आपका अभी आया था ना 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होता है 23,04, 23,04, और 44 का होता है 196, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 6 6 4 10 का 0, 9 1 10 का 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 2, 3 4 1 5 हासिल लगे, ठीक है। तो 25, तो इसको निकालें कैसे, आपको पता ही ना, इसको जोड़ा बनाते हैं, तो आपको 25 को पता ही है 5 गुणे 5, और वैसे भी डायरेक्टली अगर इसको कर दें तो 50 डायरेक्ट कर दो, एक बार डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, तो 25 है, तो 50 गुणे 50, 2 0 का 2 0, 5 5 25, ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो एक जोड़ा बन के एक बाहर आएगा, तो 50 बाहर आएगा, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 50 सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। इसे आप यहाँ से उतार सकते हैं आसानी से, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझाने टाइम पे एकदम से आइडिया आ जाता है कि नहीं इस प्रकार से ऐसे बताते, तो हम उसी अध्याय पे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका तीसरा पार्ट लगा देते हैं, इस पे एक लाइन खींच देते हैं लाल रंग की, और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का फिर तीसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो याद होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तीसरा, ठीक है, तीसरा तीसरा चल रहा है ये, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, पाई कुछ बोला नहीं है तो 22/7, एल अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो एल कितना था 14/1 लगा सकते हैं, एल अभी निकाला वो कितना है 50, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 1 कम 7, 7 2 14 कट गया आराम से, तो यहाँ से आगे आगे लिखेंगे 22 का 22,
ऊपर से ये 2 बच जाएगा, ये बच गया आपका 50, ठीक है। तो यहाँ 22 का 22 आ जाएगा, 5 दुना 10 हो जाएगा 100। तो 22 में इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो स्क्वायर में आयतन लगाएंगे तब जाके आपका क्यूब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से उतार सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो सवाल है आपका एक गेहूं की ढेरी, तो ठीक है, तो आपको दोनों चीजें बतानी थी, मैंने बताया नहीं, तो जो ये अपने सवाल लगाया था अपने पढ़ लिया, तो गेहूं की ढेरी वाला पढ़ते हैं। तो 10.5, तो अगर मैं सवाल देखूं, मैं बुक में देख रहा हूं अभी, तो आपका ये रहा। तो जो उदाहरण आप मतलब अब प्रयास करने में जो आप तीसरा लगा रहे हो, ये आपका 13.7 पेज नंबर 280 का 9वां क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन है। एक गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर व्यास, ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाता है, वांछित कैनवस का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लगाना है, क्वेश्चन सेम ही है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। वहां पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, एक ही बात है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे, और उम्मीद करता हूँ एक बार एक प्यारा सा भी चित्र बनाइए आप लोग, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शंकु के बारे में, याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे और अच्छा लगे तो इसकी ऊंचाई कितनी दी थी इसकी 3, अब की बार सेंटीमीटर की मीटर में, अब की बार मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो अब की बार सब मीटर मीटर लगा लेंगे, ये भी मीटर में है, और उसका क्या दिया था त्रिज्या, तो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 10.5 बटे में 2, ठीक है, 10.5 बटे में 2। तो चलिए कैसे लगाएंगे इसे, तो पहले लिखेंगे R बराबर जो जो दिया है इसने, ठीक है, R बराबर क्या दिया था 10.5, व्यास है तो व्यास का आधा कर देंगे, ये आपका मीटर तो मीटर में लिख देंगे, आपकी ऊंचाई h बराबर दी हुई थी, h बराबर आपका 3 मीटर था, ठीक है। आप अपने उस NCERT में पढ़ लिया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 मीटर ही है, ठीक है। तो सवाल लगाना शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन, तो इसने क्या बोला है, आयतन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले शंकु का आयतन, तो यहाँ पे लिख देंगे गेहूं, क्योंकि गेहूं की ढेरी है, और ब्रैकेट में शंकु लगा दीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया आप लोगों को, तो 1/3 का 1/3, पाई का मान कुछ बोला नहीं है, बार बार देखना क्या है, तो 22/7 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आर का मान 10.5 बटे 2, और आपका ये आ जाएगा 3/1। यहाँ अब आपको काटना सीखना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको 3 से, ये 3 तो कट गया, तो 7 से काटेंगे, 7 × 7 = 35, ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा आपका। अब है 2 × 11, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसे चुपचाप लिख देंगे, इन दोनों को लिखने का मतलब नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर भी लिख सकते हैं, 1 × 11 × 1.5 × 10.5 / 2, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11×5 = 55, हाथ में लगा 5, 11 × 1 = 11, 11 × 5 16.1 अंक पे लगा देंगे, गुणे में 10.5/2, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 173.25/2, और जब इसको भाग देंगे 2 से तो आप हो जाएगा 86.62 cm³, क्योंकि आपने आयतन निकाला है, तो इसका आयतन यही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने एक और चीज़ पूछी है कि ढेरी को वर्षा से ढकने के लिए वांछित कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो गेहूं का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कैनवस का क्या निकालेंगे, कैनवस का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि घटना ढकना तो उसे कैनवस से ही है, तो यहाँ लिखेंगे कैनवस, तो स्टार लगा दिए ताकि दूसरा है कैनवस, 2 मात्राएं थी, 1 मात्रा है, ठीक है कैनवस, तो यहाँ शंकु लिख दो एक बार,
क्योंकि शंकु के आकार का है। का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपका पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर अभी हमें पता ही था 10.5/2, और मल्टी एल कितना है आपके पास अभी निकला ना, एल एल आपके पास है ही नहीं, तो ये हो गया आपका काम। तो आपको पता है एल कैसे प्रकार निकाला जाएगा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, तो एच बराबर निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले, सॉरी एल बराबर, तो एल बराबर रूट में आपका पीछे भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है आपका, एच स्क्वायर प्लस में आपका आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एच कितना है आपके पास दिया कितना था एच, एक बार एच और आर दोनों की वैल्यू देखें, एच है 10, एच आपका 3/10.5/2, ठीक है। तो आपका एच था 3 का स्क्वायर और प्लस में 10.5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 10.5, अगर इसका करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो पहले इसे काट लेते हैं, तो ये इन दोनों को काटने के बाद क्या आ जाएगा आपके 5.25, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दो बार 9 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 5 × 5, तो इसका आ जाएगा 27.56, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9 × 10 = 16 और ये 3.56, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6.04 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि L है। और याद ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें आपको सीखने वाली है, थोड़ा सा पॉइंट वाला बाहर कैसे आता है ये आपका दूसरे मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। काफ़ी सरल होता है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो L आपने इस प्रकार से निकाल लिया तो 6.04 आया, तो आप यहाँ पे 6.04 रख देंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 6.04, तो 6.04, ठीक है। अब यहाँ पे है काट देंगे इसको, ठीक है, जैसे हमने इसे काटा था 2 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा आपका 11, 7 से काटा था, 7 × 7 7 × 5 = 35, हर बार तो यही आता है आपके पास, तो क्या बचा 11 × 1.5 × 6.04, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 5 = 55, हाथ में लगा 5 × 11 = 5 और 11 × 11 = 5 = 16 मल्टीप्लाई 6.04, ठीक है। तो बच्चों अब इसका आप आंसर, अगर आप वीडियो देख रहे तो इसका आंसर बताइएगा। अब याद रखिएगा ये सब कुछ आपके किस में चल रहा था, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये आपका देखो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, तो इसे आप मीटर बना लीजिएगा। देखो सेंटीमीटर लिखते लिखते आदत सी बन जाती है हर बार, तो ये मीटर में था, जो भी पृष्ठ क्षेत्र जो आएगा ये भी किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, क्यूब में, स्क्वायर में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है वह मीटर स्क्वायर में आएगा, और आपका ये आयतन था इस वजह से मीटर क्यूब में आया, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मीटर में था या भी मीटर में था, इस वजह से मीटर क्यूब में आया। बार बार बोल रहा हूँ सेंटीमीटर, देखो कई बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर आता है दिमाग में बैठ सा जाता है एक बार। तो चलिए अगला सवाल एक बार जल्दी से लगा लेते हैं, मेरे फोन की बैटरी कम है, ये कभी भी बंद हो सकता है। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को एक भुजा 12 के परिगत घुमाया जाता है, तो ठीक है सवाल लगेगा कैसे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं। तो इसमें था इन्होंने 5, 12, 13, तो 13 तो सबसे बड़ी भुजा है तो ये हो जाएगी, ठीक है, तो 12 है इसको ले लेते हैं और 5 छोटी सी दिख रही तो इसको ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 12 के परिगत घुमाया जाता है, जो 12 वाला है उसकी तरफ घुमाया जाता है, तो ये शंकु घूम घूमेगा अगर ऐसे ऐसे, तो शंकु इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ठीक है, 12 के परिगत घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये 13 था, ये 13 ही रहेगा, जो ऊंचाई थी इसकी ये आपकी 12 ही रहेगी, क्योंकि 12 का परिगत घुमा जाता है, जो त्रिज्या आपकी 5 की 5 रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, तो देख लेते हैं आपके आपका सेंटीमीटर में है, तो हाँ सेंटीमीटर में ही है, तो आपका जो r बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है,
और आपका एल, एल जो 13 को चाहिए, ठीक है, तो आपकी हो जाएगी 13। जो ये 12 है वो आपको नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये 12 है और 13 को चाहिए, ये वाली 13 है, 13 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7। अब तो ये सब याद ही हो जाएगा। आर बराबर है 5 गुणे में 5, दो बार लिखेंगे, बटे में 1, बटे में 1 अपने मन से लगा सकते हैं। और h का मान कितना है, 12, 12/1। अब काटेंगे तो यहाँ से, अब काटते हैं, पेन भाई साहब हमारे नीचे गिर गए, तो पेन को एक बार नीचे से उठा लेते हैं और इसे 3 से काट देते हैं। 3 × 3, 3 × 12, ठीक है। और कोई कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है। और मैंने इसके एनसीईआरटी में आंसर देखा था, ठीक है, तो इसका पाई का मान उसने पाई रखा था, ठीक है। तो अगर ये है, पाई का मान पाई रखिए, 5 × 5 = 25, 25 × 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 πcm³ ans। क्यों? अगर आपको मैं एनसीईआरटी का दिखाऊं तो ये आपका दो शंकु परिघ था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। मैं इसका भाग ही दे रहा था, मैं सोचा एक बार आंसर भी मैच करके देख लेते हैं। तो 13.7, ठीक है, जो 13.7 है उसका मान पाई बराबर, ठीक है, 100 π ले रखा है। तो अब मैं अभी भी काटने जा रहा था लेकिन एकदम से याद आया, पाई का मान पाई, तो यहाँ पे आप पाई का मान पाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अगर इससे आकर आंसर इससे आकर मिलाना है तो, नहीं तो आप पाई का मान 22/7 रख के मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर सही होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।